तो गेमर्स, क्या हाल जी तुम सभी लोग हैं। एंड आई होप यार तुम सभी लोग बढ़े होंगे। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं हम लोग की पूजा लॉन्च की सर्वाइवल सीरीज। एंड जैसे तुम सभी लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने मार दिया था वीदर को, एंड हम लोग को मिल गया था हम लोग का नेदर स्टार। साथ ही आज की इस वीडियो के अंदर मैं बनाने वाला हूँ ऑटोमेटिक कारपेट ड्यूपर। क्योंकि तुम लोगों को तो याद होगा कि कुछ टाइम पहले हम लोग ने बनाया था एक ऑटो स्मेल्टर, जो कि हम लोग के कोबलस्टोन को के फार्म से जो भी कोबलस्टोन आते हैं वो सारे इसको इसमें जाकर ये ऑटो स्मेल्ट कर देता है। बट उसके अंदर हम लोग को कमी पड़ गई थी फ्यूल की, सो दैट्स व्हाई मेरे को उसके अंदर से बार बार फ्यूल कोल लाकर डालना पड़ता था। देन वो फ्यूल उसके अंदर जाता था, देन चलता था। सो दैट्स व्हाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसको पूरा ऑटोमेटिक करने वाला हूँ, जिससे कि इसमें कोई भी दिक्कत ना हो एंड ये हमेशा सिर्फ चलता ही रहे। एंड अभी थोड़ा बहुत सामान तो मैंने इसके अंदर कलेक्ट कर लिया है। तुम लोग तो डेड कलर फैन जो हम लोग ने ये टीएनटी ड्यूपर बनाया था तब मैं स्ट्रॉन्ग वॉल्स लिया था, दो तीन डेड कलर फैन, तो अभी मैंने एक यहाँ से ले लिया, बाकी और जो भी थी मैं वो चेस्ट पे रख दिए। एंड अभी मैं स्लाइम अभी के रवीद में गया था जहाँ पे स्लाइम वाली चंक है, सो वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत स्लाइम को मारा। एंड यहाँ पर दो ब्लॉक मैंने क्राफ्ट कर लिए हैं। एंड अभी जहाँ थोड़ा बहुत और सामान हम लोग को चाहिएगा, जैसे ऑपरेटर चाहिएगा, रिपीटर चाहिएगा, थोड़े बहुत रेस्टोर चाहिएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत पिस्टन वगैरह भी काम आने वाला है, सो हम लोगों को वो चाहिएगा। तो सबसे पहले वो सारा सामान मैं यहाँ पर कलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले कंपेरेटर की रेसिपी भी देख लेता हूँ कि क्या है उसकी रेसिपी। ओके स्टोन तो भी मैंने ले लिया है, बट अभी मेरे को थोड़ा बहुत वुड चाहिए, सो मैं यहाँ पर अपने ट्री वगैरह लगा रहा कि वहीं जाता हूँ। एंड भाई मेरी सैपलिंग लिटरली मैं मतलब ट्री काट काट कर मैंने ही छोड़े, तो शायद सारी सैपलिंग जो है डिसअपेयर हो गई थी, सो मेरे को दोबारा सैपलिंग वगैरह कलेक्ट करनी पड़ेगी। बट यार वो अभी बाद में करेंगे, मतलब अभी इसका कुछ काम ही नहीं आ रहा है, सो मैं इसको कहीं यूज़ ही नहीं लेता हूँ। सो अभी हम लोग जल्दी इसको बनाए थे क्योंकि मेरे को चाहिए यहाँ पर स्टिक्स, और यहाँ पर मैं इसकी स्टिक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड ओके सो अभी हम लोग क्राफ्टिंग टेबल ढूंढना पड़ेगा। क्राफ्टिंग टेबल मैंने यहीं कहीं रख रखा होगा, मतलब जगह जगह मैंने क्राफ्ट टेबल रख रखा है ताकि हम लोग को कहीं पर दूर जाना ना पड़े। ओके सो ये मिल गया हम लोग अपना क्राफ्टिंग टेबल। एंड यहाँ पर जल्दी से आते हैं एंड इसको ऑफ करते हैं। एंड हम लोग को पता नहीं तीन स्टिक्स, सो यहाँ पर मैं कुछ इससे किस रखता हूँ, इधर नहीं इधर। एंड यहाँ पर तीन हम रेस्टोरेंट टॉर्च बनानी है, स्टिक्स नहीं। ओके सो कुछ इससे किस होने के बाद उसकी रेसिपी हम लोग को रखनी है लाइक दिस। यहाँ पर हम लोग स्टोन रख देना है, यहाँ पर हम एक क्वार्ट्ज ब्लॉक रख देना है, एंड यहाँ पर हम लोग को तीन रेस्टोरेंट टॉर्चेस रख देनी है। सो अभी दोस्तों ये हो गया। एंड अभी हम लोग को रिपीटर भी बनाना है, सो रिपीटर की रेसिपी क्या थी, उसके लिए हम लोग को दो टॉर्चेस और लगेगी आई थिंक सो। ओके सो इसको यहाँ पर रख देते हैं एंड दो हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। ओके सो ये आ गई। एंड रिपीटर की रेसिपी मेरे को पता नहीं है, सो यहाँ से हम लोग रेसिपी बुक से बना लेते हैं डायरेक्ट। ओके सो लेट्स गो, यहाँ पर ही बन चुका है। बट अभी हम लोगों को थोड़ा बहुत आयरन वगैरह भी लेकर आना पड़ेगा, जो कि मैं आयरन फार्म से लेकर आता हूँ जल्दी से। तो ये मैंने क्राफ्ट के लिए एसटी की पिस्टन को, बट अभी मैंने थोड़ा बहुत एरिया बनाना है कि कहाँ पर मैं अपना फार्म को बनाऊंगा। सो मैं अपने फार्म को कुछ यहीं पर ही बनाने वाला हूँ, अपने जस्ट स्मेल्टर के पास ही, क्योंकि मेरे को उससे कनेक्ट करना पड़ेगा इसको, ताकि ऑटोमेटिकली उसमें चला जाए, मेरे को डालना नहीं पड़े। सो फुली ऑटोमेटिक बनाने वाला हूँ एक बार मैं, ताकि भाई मेरे को कुछ काम करना ही नहीं पड़े। एंड हाँ ऐसा भी नहीं बनाना है कि, बट हाँ यार थोड़ा बहुत तो ऑटोमेटिक होना ही चाहिए, क्योंकि यार हम लोग को इतना सब बोरिंग काम होता है ना, उन सबको हम लोग को साइड में रखना है। जैसे एक बार हम लोग एरिया क्लियर कर रहे हैं थोड़ा बहुत, ताकि यहाँ पर एकदम सही सा लगे, थोड़ी अच्छी लुक आ जाए। ओके सो कुछ एरिया इतना क्लियर कर दिया है, सो फिलहाल हम लोग अपना फार्म बनाए स्टार्ट करते हैं। सो डायरेक्टली ना मेरे को इस वाली चेस्ट में डालना है आई थिंक सो। हाँ तो जो फ्यूल है ना वो इस वाली चेस्ट में आना चाहिए, सो दैट्स व्हाई मेरे को कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा। सो एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना यहाँ पर मेरे को कुछ इस तरह से एरिया बनाना है इसका, आई थिंक सो इतना कुछ होगा। वेट लेट मी, सबसे पहले मैं क्राफ्ट लेता हूँ कुछ स्टोन ब्रिक्स, क्योंकि स्टोन ब्रिक्स से हम लोग बनाने वाले हैं इसको। सो यहाँ पर भाई बिल्कुल जगह की कमी हो चुकी है, सो फिलहाल इसको हम लोग बंद करते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से इसको प्लेस करना आई थिंक सो। नहीं नहीं मैं कुछ ज़्यादा ही दूर कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन की दिक्कत हो जाएगी। ओके सो ये हो चुका है, कुछ इस तरीके से इतना करना था आई थिंक। एंड अभी हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पर जगह छोड़ देते हैं। एंड आई थिंक सो 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 एंड 3, ये होने के बाद भाई यार यहाँ पर कासल बीच में आएगा। सो एक काम करता हूँ मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ, या फिर मैं इसको थोड़ा बहुत साइड में ही बना लेता हूँ, ताकि कासल वगैरह बीच में नहीं आएगा। एंड मैं इस बाद में इसका कनेक्शन कर दूंगा। 2000 years later. सो अभी जो सिस्टम था वो पूरा एकदम सही से हो चुका है, मैंने थोड़ा बहुत आगे कर दिया था, सो उसको मैंने फिक्स कर दिया। बट फिलहाल ना अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत और दिक्कत हो रहा है, सो उसके लिए मेरे को ना यहाँ पर ग्लास ला के लगाना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर ये इसके आगे नहीं आएगा। सबसे पहले जाता हूँ थोड़ा बहुत ग्लास लेकर आ जाता हूँ घर से। एंड अभी ना इसको तो थोड़ा बहुत डेकोरेट काम कर देते हैं। एंड इसको अपने जो ऑटो स्मेल्टर है उससे भी कनेक्शन करना है, सो वो भी मैं कर देता हूँ जल्दी से। एंड मेरा फूड खत्म हो गया लिटरली, मेरे पास कुछ खाने का भी नहीं है भाई, इतनी गरीबी आ गई ना, मेरे एमरल्ड भी सारे खत्म हो चुके हैं। अभी दोबारा से किसी और चीज़ को भी लेना पड़ेगा
खाने के लिए। ओके सो यहाँ पर मेरे को 2 ग्लास मिल चुके हैं घर से, तो जल्दी से ले लेते हैं हम लोग इनको। एंड इनको हम लोग चेस्ट के ऊपर लगा देते हैं ताकि कारपेट जो चेस्ट के ऊपर ना आए। एंड ये देख सकते हो भाई, वहाँ पर पूरे कासल के अंदर मेरे मॉब्स ने कर रखा है भाई। मैंने रहने ही लगी, अब तक शिफ्ट नहीं हुआ तो सारे मॉब्स ने वहाँ पर अपना हक जमा दिया, मतलब लिटरली वो सब बजा कर वहीं पर बस गए। ओके सो अभी ये इसके आगे नहीं आएगा। एंड यहाँ पर मेरे को एक ब्लॉक हटाना है ताकि ये यहाँ से हम लोग चेस्ट खोल पाए। एंड लिटरली तुम दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। सभी ना मेरे को इस चेस्ट का कनेक्शन इस चेस्ट में डालना है। सो इससे एक बार थोड़ा बहुत छेद वगैरह कर देता हूँ यहाँ से कि कहाँ कहाँ से मेरे को कनेक्शन लाना है, ठीक है ना। सो यहाँ से तुम लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से ही होगा। एंड अभी ना आई थिंक सो मेरे को कुछ दिक्कत लग रही है यहाँ पर, कि कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है इस कनेक्शन में। एंड वेट वेट वेट, यहाँ पर मेरे को इसको लगाना पड़ेगा। एंड यहाँ से मेरे को इस तरीके से यहाँ पर मैं रास्ता बनाता हूँ इसका यहाँ से, ताकि यहाँ से कुछ इस तरीके से आएगा देन सीधा उसके अंदर चला जाएगा। ओके सो अभी कुछ चीज़ें और मैं लेकर आ चुका हूँ यहाँ पर, मैं ड्रॉपर वगैरह में लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर ड्रॉपर वगैरह से हम लोग कनेक्शन करना पड़ेगा। सो अभी हम लोग काम करते हैं कि हम लोग थोड़े बहुत यहाँ पर हॉपर्स वगैरह बना लेते हैं। सो यहाँ पर जितने भी हॉपर बन रहे हैं अभी थोड़े बहुत, और मैं यहाँ पर वुड वगैरह भी लेकर आ चुका हूँ। सो यहाँ पर मैं थोड़े बहुत से और जो यहाँ पर चेस्ट वगैरह बना लेता हूँ। 6 चेस्ट बन रही है, ओके नाइस। यहाँ पर हम लोग 6 हॉपर बना लेते हैं, 6 हॉपर बन जाएंगे ना, 5, ओके नाइस। सो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हॉपर बन चुके हैं। एंड अभी हम लोग क्या करना है कि यहाँ से हम लोग को एक और ब्लॉक यहाँ से नीचे लीक करना पड़ेगा, एंड इसके नीचे से करना पड़ेगा, एंड इसके नीचे भी। एंड यहाँ से हम लोग को जो भी बनाया ना इसको भी एक एक लाइन हम लोग नीचे कर देते हैं। सो अभी हम लोग को यहाँ से इसको करना है। एंड यहाँ से कुछ आएगा तो नहीं ना ऊपर, मतलब वो माइन कार्ड तो नहीं आएगी ना। ओके इसको भी फिलहाल यहाँ पर यहीं छोड़ देते हैं। एंड अभी हम लोग क्या करना है कि इसके नीचे हम लोग को लगानी है, मतलब यहाँ से हम लोग को पूरा हॉपर कनेक्शन करना है। सो इसको फिलहाल हम लोग इसको आगे भेज देते हैं। सो अभी होगा क्या कि जो ड्रॉपर होगा ना वो इसके अंदर डालेगा। एंड अभी मेरे को इसको यहाँ से ऑटोमेटिक कनेक्शन बनाना है। तो सबसे पहले मेरे को इसको यहाँ से एक इधर लगाना पड़ेगा। वेट यार, थोड़ा जगह की बहुत कमी पड़ रही है। ओके ये भी उल्टा लग गया। इसको यहाँ से हम लोग को कुछ इस तरह लगाना है, इसका फेस यहाँ पर रहेगा। देन हम लोग दोबारा से बाहर चलते हैं यहाँ पर ब्लॉक्स लगा के। ओके सो इस तरीके से आने के बाद यहाँ पर ही हो गया। सो ओके फिर दोबारा से गलत लग गया। इसको हम लोग को लगाना है यहाँ पर। ओके सो अभी एकदम आई थिंक अच्छे से वर्क कर रहा होगा। यहाँ पर हम लोग डाल के रखते हैं स्लैब। ओके सो ये स्लैब्स को यहाँ पर छोड़ रहा है। एंड ये स्लैब्स पे जो 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 भी जाएगा यहाँ से, सो डायरेक्ट उसमें हम लोग का चला जाएगा। बट हाँ यार, यहाँ पर मैं एक चीज़ गलती कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं डायरेक्ट भी तो कर सकता हूँ भाई। मैं क्या कर रहा हूँ, लिटरली मैं बहुत बड़ा नूब हूँ। अच्छा यहाँ से हम लोग को इसको हटाना है। एंड इन सबको हटा दो भाई, कचरा वचरा हटा दो। देन यहाँ पर हम लोग को इसको लगाना है। एंड इसको यहाँ पर इधर लगा देना है। एंड इसको हटा के दोबारा से मेरे को यहाँ पर लगा देनी है रेल। सो यहाँ से मैं रेल ले लेता हूँ दोबारा से जल्दी से। ओके इसको हटाओ। एंड रेल को हम लोग को यहाँ पर लगाना है। एंड कुछ इस तरीके से रेल एक्टिवेट हो गई। देन हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से इसको लाना है, इसको इधर लाना है, इसको इधर लाना है, अबे भाई इसको इधर लाना है, देन इसको इधर लाना है। एंड अभी दोबारा से एक और हॉपर की कमी पड़ गई। सो मेरे को एक और हॉपर क्राफ्ट करना पड़ेगा, जल्दी से क्राफ्ट कर लेते हैं। 2000 years later. ओके गाइस, सो फाइनली काफ़ी ज़्यादा देर बाद जो हम लोग का फार्म है ना, आई थिंक सो अभी अच्छे से वर्क करने लग गया है बिकॉज ऑफ दी भाई ये क्या है भाई, नाइस, वेरी नाइस। सारा कारपेट आई थिंक सो इसके अंदर ही आ रहा है। एंड अभी जाएगा पूरे में, अभी जा रहा है ना, यस आई थिंक सो धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि ये कारपेट मतलब इतना इफिशियंस नहीं है भाई। मतलब ये भी लिटरली फेल हो गया हम लोगों का पूरा, मतलब इसके अंदर आ रहा है बट यार देख सकते हो जैसे ही आ रहा है तो दोबारा से वो ख़त्म हो रहा है, तो वो वर्क ही नहीं कर रहा है भाई। ये क्या सीन है यार, ये तो बहुत गलत हुआ हम लोगों के साथ। मतलब भाई यार इतनी मेहनत करी ना फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो हम लोगों ना। बट हाँ एक चीज़ तो हो सकती है कि हम लोग ना सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी बहुत इन्वेंट्री खाली करता हूँ, फिर मैं तुम लोग को बताता हूँ मेरा आइडिया क्या है। मतलब अभी हम लोग के पास फ्यूल तो इन्वेट आ चुका है, मतलब हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं कारपेट को, बट हम लोग को उसको डालना पड़ेगा पूरा पूरा ऑटोमेटिक। अच्छे से वर्क नहीं कर रहा जो सिस्टम है ऑटोमेटिक वाला, सो हम लोग खुद ही उसको ला कर डालना पड़ेगा। सो ऐसे सिंपली मैं यहाँ से लेता हूँ थोड़ा बहुत, यहाँ से इसमें ले लेता हूँ, भर लेता हूँ मैं अपनी इन्वेंट्री में जितना भी आ रहा है। देन सिंपली हम लोग इनको लेंगे एंड इसके अंदर डाल देंगे। सो यहाँ से लेते हैं जल्दी से हम लोग। एंड इसके अंदर हम लोग डालना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने डाला इधर, ये मैंने डाल दिया इधर। एंड बहुत सारा जल्दी ख़त्म हो जाता है मतलब ये। सो हाँ बट एक बार हम लोग इसको फिर भी यूज़ ले सकते हैं। बट हाँ यार जैसे भी हो, बट यार एक बार तो हम लोग के लिए यूज़लेस ही रहा, क्योंकि यार पूरा हम लोग करना पड़ेगा ये, पर फिर भी यार एक बार ठीक है। एंड फिलहाल ये चाहिए छोटी सी वीडियो। एंड अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर तुम लोग के पास कोई प्रो टिप्स हो इसको इम्प्रूव करने के लिए तो तुम लोग कमेंट में जरूर बता सकते हो। तो कमेंट सेक्शन इसीलिए बना हुआ है, तो इस जाओ कमेंट करो अपनी कोई प्रो टिप्स। सो मैं मिलता हूँ तुम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।